स्मार्ट सोसाइटी में प्लीज फंक्शन की पूरी तैयारी आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से एक नए दिन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन, वहीं से होते हुए ग्रेटर नोएडा भी जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ कुछ काम है प्रॉपर्टी के सिलसिले में। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, किसी के लिए प्रॉपर्टी लेना है, तो बस वही देखने हम लोग जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मौसम इतना अच्छा हुआ है, धूप छाँव भी है, हवा चल रही है, उमस तो है पर हवा में ठंडक है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में। और हरियाली इस टाइम तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ग्रेटर नोएडा में, और बाकी जगह भी हरियाली है, पर नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा की बात ही अलग है। और ये बादल कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सीनरी बनाई जाती है वैसा ही दिख रहा है ये। और यहाँ पे मुझे खेत भी देखने को मिला, बहुत सारे खेत भी थे यहाँ पे, और यहाँ ज़्यादा बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, नॉलेज पार्क होने की वजह से यहाँ बहुत सारे कॉलेज दिखाई दिए मुझे। जब रास्ते में आगे हम लोग बढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक मुझे छोटा सा मंदिर भी दिखाई दिया, फिर मंदिर से होते हुए हम आगे बढ़ गए। और बस थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ घूमे, और यहाँ रोड काफ़ी अच्छा चौड़ा बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा था, चारों तरफ हरियाली थी, दोनों साइड में इतने बड़े बड़े पेड़, साथ में खेत, ऊपर से नॉलेज पार्क, और सोसाइटी भी यहाँ थोड़ी दूर पे बना हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में मेट्रो स्टेशन, तो सब कुछ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी सुंदर बना दिया है यहाँ पे यूपी सरकार ने, बहुत ही रोड तो सबसे सुंदर था यहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर हम लोग घर वापस आए घूमते फिरते, मज़ा आ रहा था घूमने में। और यहाँ जब हम लोग वापस आए तो देखिए सोसाइटी में तीज फंक्शन की तैयारियाँ चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ का भी ले लिया। अब मैं शाम को जाऊंगी तो पूरा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। तो शाम हो चुकी है और मैं नीचे आ चुकी हूं, और अब मैं आपको ले चलती हूं अपने तीज फंक्शन का जो मेला लगा हुआ है वहां पे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आए हैं यहां पे हरियाली तीज का मेला लगा हुआ है, तो बस वही देखने आए हैं, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। हमारी सोसाइटी में तीज फंक्शन की पूरी तैयारी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। और बहुत भीड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज प्रोग्राम भी हो रहा है, यहाँ पे बच्चों ने भी परफॉर्म किया है और बड़ों ने भी किया है, और भीड़ भी काफ़ी थी यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे थे सारे स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और सबसे ज़्यादा राखियों के स्टॉल पे भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तरह तरह की चीज़ें हैं, कपड़े से लेके, चूड़ियों से लेके, और मेहंदी, साथ ही राखी तो बहुत सारे जगह पे मिल रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि झूला है, बच्चों का झूला, सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें, राखियाँ तो बहुत जगह मिल रही हैं, और मेहंदी काफ़ी जगह लगाए जा रहे हैं। तो बस और वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, बस इतने स्टॉल लगा, देखो तीन चार। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है हर एक चीज़,
और यहाँ पे देखिए मेहंदी लगाई जा रही है। पीछे कितने का, कितने का मेहंदी लगा रहे भैया? 100 रुपए पर हैंड। कितना हैंड में कितना यहाँ तक? नहीं वो भरा हुआ लगवा रहे हैं, 400। अच्छा, कपड़े के स्टॉल लगे उसके पास, ठीक है उसके पास, ओके। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं पेड़ पौधों को, बहुत तेज़ हवा, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है आज और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ पौधे आप देखिए कितना हिल रहा है। अभी जब मैंने बोल दिया तो हिलना बंद हो गया, वैसे बहुत तेज़ चल रही थी।